तो सुबह नाश्ता वाश्ता मैंने कर लिया है। अब हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा बाहर जमीन देखने, मतलब हमारी खुद की जमीन है, उसको बेचना है, तो किसी को दिखाने खाने वो जा रहे हैं, तो वहीं मैं चल रही। तो मैंने सोचा एक छोटा सा ब्लॉग बना लेती हूँ, घूम भी लोगे आप, देख भी लोगे। एंड ये मेरा पिम्पल यार, मेरी बर्थडे है 6 तारीख को। बाय द वे आज है कितनी तारीख, कत्ती तारीख में बोल रही हूँ, कत्ती तारीख 4 जुलाई मैं बोल रही थी, आज 4 जुलाई संडे है। एंड ये ब्लॉग पता नहीं कब जाएगा प्लीज़। एंड ये दानंद महाशय जी निकल आए हैं, होप सो ये 6 तारीख तक सही हो जाए, वरना मेरा बर्थडे पे ये पिंपल। एंड मुझे पता है मेरे ऑफिस वाले, आप लोगों ने मेरा ऑफिस ब्लॉग देखा कि नहीं देखा, उन पर वह मैंने क्या करा था लोगों के साथ, पूरे फेस पे केक फेशियल, तो वो लोग प्लान बनाए मेरे साथ भी वैसे करने को। स्केयर बट अगर ऐसा हुआ तो मेरे तो पिंपल भर भर के निकल आएंगे। चलो वो बातें अलग रखती हैं। मैं ये मैंने टॉप पहन ली है, पीछे बहुत फैला हुआ है अभी समेटता है, जीन्स पहन लिया है। गर्मी तो ओ माय गॉड बहुत गर्मी है, तो मैं जा रही हूँ पोनी बनाने, आज बाल ओपन नहीं रखूँगी, मेकअप भी कुछ नहीं करूँगी, बस हल्का सा लिपस्टिक लगा लूँगी, सन प्रोटेक्शन चाहिए तो सनस्क्रीन लगा लूँगी, बस नहीं, थोड़ा बहुत सा काजल लगा लूंगी, मेरा फेवरेट, एंड लिपस्टिक। ओ चलो मैं तैयार होकर फिर बोलती हूँ आपसे। ओके तैयार हो गई हूँ, एवन आवर निकल रहे, बहुत देर हो रही है, सब लोग मेरे पे चिल्ला रहे हैं जल्दी को जल्दी को, तो मैं जस्ट निकल रही हूँ। ओके सो हम लोग निकल गए हैं, ये रायबरेली रोड पे है ना, सो ये रायबरेली रोड पे है, सो इसी बहाने आउटिंग हो जाएगी, बहुत दिन हुए लॉन्ग ड्राइव करे हुए गए हुए कहीं। एंड या आई एम हैप्पी, एंड सब कुछ तो बंद है, सो अब वहाँ पहुँच के मैं आप लोगों से मिलूंगी, एंड रास्ते का थोड़ा बहुत सा दर्शन दिखा दूंगी। सो पेट्रोल तो भरवा लूँ वरना चलेगी गाड़ी कैसे। कितना बनना है, मेरा पुल कर दो, सत्ताईस सौ में 30 लीटर डला है डीजल, डीजल का रेट हो गया 89। ओ माई गॉड, डीजल इसलिए लिया था गाड़ी ताकि सस्ता पड़े, पेट्रोल और डीजल सेम रेट हो गया। तो यहाँ हम लोग पहुँच गए हैं, ये गौरा गंज लगता है रायबरेली रोड पे, लैंड मेन रोड है, मेन रोड से जस्ट इधर ये अंदर रोड गई है, एंड इधर वो जो बाउंड्री दिख रही है ना उसके जस्ट पहले वाला जो है वो है हमारी प्रॉपर्टी। मौसम काफी अच्छा हो गया है, सो ये हमारे लिए अच्छी बात है, वरना धूप हो जाती तो बहुत बुरा हाल हो जाता है। फोटो कितनी अच्छी आ रही है, आप बिल्कुल चेहरा बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, ऊपर से पीना। सो चलो हम लोग चलते हैं अपनी प्रॉपर्टी के पास। तो एक तरह से पिकनिक मनाने आई हूँ मैं कोल्ड ड्रिंक के साथ। चीयर्स। तो ये मेन रोड है, मेन रोड ये पूरी उधर गांव तक गई, इस मेन रोड से जस्ट इधर एक और रोड आई है, ये रोड है, एंड इसके पीछे ये कंस्ट्रक्शन हो रखा है, ये पूरी कंस्ट्रक्शन हो रखा है, ये कोई फैक्ट्री वगैरह है, एंड उसके जस्ट आगे वाला, लेट मी शो यू गाइस, जल्दी जल्दी चलते हैं। एंड हवा इतनी अच्छी चल रही है कि मजा आ रहा है। एंड ये रोड यहाँ पे जाके खत्म होती है, इसके पीछे ये आप देख रहे हो घर बना हुआ है किसी का, इधर भी घर बना हुआ है,
तो ये रोड हमारी हो गई एंड ये बाउंड्री पूरा एल शेप, ये यहाँ तक ये जो दिख रहा है, यहाँ पे भी एक और रोड है उसके उधर, तो वो रोड इससे ये ऐसे ये एल शेप का पूरी हमारी लैंड है, ये दिस एल शेप लैंड है। और ये जो बना हुआ बाउंड्री है किसी और की बाउंड्री, उसके जस्ट पहले जो है वो हमारी बाउंड्री हो रखी है छोटी सी ये। एंड चलो इसका व्यू मैं आपको दिखाती हूँ। ये पूरी ऐसे गांव मूवीज में ऐसे दिखाते हैं ना, जो साउथ इंडियन मूवीज होता है, यहाँ से दूर दूर तक जहाँ तक तुम्हारी नजरें जाती हैं ना बेटा, वो सारी हमारी जमीन है। साउथ इंडियन मूवी उसमें देख रहे थे ऐसे दिखाता है। अच्छा साउथ इंडियन में मैंने भोजपुरी बोल दी, ओ सॉरी। ये जो पूरी जमीन देख रहे बेटा, जहाँ तक हमारी नजर जाती है वो पूरी जमीन हमारी होती है। ये देखो गाय आ रही है, कह रही यहाँ मैं रहती थी, तुम लोग कैसे आ गए, तुम लोग कौन हो, कहाँ से आ गए। बहुत हो गई मस्ती, यहाँ से जाने का बिल्कुल मन हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वेदर। इतनी खूबसूरत जगह लग रही है ये एंड इतना अच्छा एटमोसफेयर, हवाएं इतनी अच्छी चल रही है कि मेरे को तो जाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है, बट जाना तो पड़ेगा ही। एंड ये ऐसा लग रहा है ना फीलिंग, अगर यहाँ पे छोटा सा घर बना होता है फार्म हाउस वाली फीलिंग आती है, बारिश हो जाती, ओ माय गॉड। चलो मैं अपना कोल्ड ड्रिंक उठा लेती हूँ एंड अगेन वंस मोर दिस लैंड, बाय बाय लैंड, मिस यू सो मच। चलो वापस घर चलते हैं एंड देखते हैं मम्मी ने क्या बनाया है। मम्मी बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाने वाली हैं आज, सो मैं वो भी थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एंड व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कर दिया करो एंड सब्सक्राइब ज़रूर करा करो, क्योंकि मैं अपने एनालिटिक्स में देखती हूँ तो मोस्ट ऑफ यू आर नॉट सब्सक्राइबिंग माई चैनल गाइज, वाई आप लोग देख ले तो चले जाते हो, मेरे सपोर्ट नहीं करते हो। अब हो गई है धूप, अच्छे टाइम पे हम लोग जा रहे हैं। अच्छे टाइम पे हम लोग आए थे, सो ये मेन रोड है, मतलब मेन रोड के जस्ट बाद वाली सेकंड मेन रोड है जी, यहाँ से बहुत ही बस ये रोड एंड ये हमारी जमीन, सो मुश्किल से हो गया दो तीन मीटर या एक किलोमीटर, 1 किलोमीटर नहीं हो गया यार। बस ये दाना छोड़ दो तो मेरा फेस आज काफी अच्छा लग रहा है। पार्किंग नहीं बन रही है, बैंक रिकवरी पार्किंग। घर के साथ भैया आपकी गाड़ी कहाँ, घर के सामने पार्किंग बनवाई उसी में है, कौन सी पार्किंग जानने, पता लगा वो पार्किंग बैंक रिकवरी पार्किंग है। अरे अरे पार्किंग तो है ना, हम गाड़ी ज्यादा निकालते नहीं है भाई साहब, हम रखते हैं तो पॉल्यूशन होगा इतना कौन करे, इसलिए हम पार्किंग में सेफ रखे हैं अपनी गाड़ी। अरे स्टार्ट यार, कितना अच्छा लग रहा है मेरे को, कितने दिनों बाद मैं निकली हूँ ऐसे लॉन्ग, थैंक यू आउटिंग फैलाने के लिए। वैसे मैं थोड़ी सी सरप्राइज हो गई थी, मैंने पूछा नहीं उस वक्त, अब पूछ रहे, मुझे लगा कि पता नहीं ये कैसे हो गई, वो किसी और को ले जा रहे हो साथ में और हमसे कह रहे हो कि